दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। देखिए कोरोना महामारी के दौरान इस वक्त पूरे अजमेर शहर को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ये समस्या प्रशासन के सामने ऐसा लगता है कि अभी तक उनके सामने पहुंची नहीं है या फिर पहुंच गई है लेकिन प्रशासन अभी तक अनभिन बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट तौर पर आदेश दे दिए हैं कि प्रदेश का कोई भी शख्स भूखा नहीं रहना चाहिए, उसके यहाँ पर राशन की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। लेकिन आज जो वार्ड नंबर 18 से जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, इस तस्वीर के अंदर लोगों के आप जब बयान सुनेंगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकान से राशन नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या इस समय अजमेर के कई लोगों को आ रही है जगह जगह पर कि जब राशन की दुकान पर लोग जा रहे हैं तो उनको राशन नहीं मिल रहा है। दरअसल इसके पीछे का जो माजरा है वो माजरा ये है कि कई लोगों के जो कार्ड हैं राशन के वो APL कैटेगरी के हैं। APL कैटेगरी के जो राशन कार्ड हैं वो इस समय ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि वो फिलहाल इनएक्टिव हैं राशन की दुकान से राशन लेने के लिए। और इसके अंदर जो हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, तमाम वार्डों से केवल APL के 10% कार्ड धारक ही इस समय रजिस्टर्ड हैं, 90% जो कार्ड धारक हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिसके चलते लोगों को जब राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर जाते हैं तो राशन विक्रेता जो है वो लोगों को राशन नहीं दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त APL कार्ड धारकों को आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे APL कार्ड धारक अजमेर के अंदर ऐसे भी हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, कई जगह पर लेबर का काम करते हैं, लेकिन आज उनके सामने एक बड़ा संकट राशन को लेकर खड़ा हो गया है कि जब उनका राशन कार्ड जो APL कैटेगरी का है वो इनएक्टिव है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में राशन विक्रेता जो है वो राशन देगा कैसे। ये एक बड़ी समस्या अजमेर से आ रही है और चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट तौर पर आदेश दे दिए हैं, तमाम जिला अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार से प्रदेश के अंदर कोई भी नागरिक राजस्थान का भूखा नहीं रहना चाहिए, उसके यहाँ पर राशन की व्यवस्था उचित हो जानी चाहिए, राशन किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है, या फिर इसको एक तरीके से ये भी आप मान सकते हैं कि इस समय जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो DSO स्तर के ऊपर आ रही है कि DSO को इस वक्त ये देखना चाहिए कि APL कार्ड धारक कितने ऐसे हैं जो लोग अभी तक ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आज उनके घरों में राशन की बहुत बड़ी कमी है, समस्या है, और जब राशन लेने के लिए जा रहे हैं तो उनको राशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है, जिस तरीके से हमने देखा है कि दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है, दिल्ली में रहने वाले तमाम जो लोग हैं जिनके राशन कार्ड भी नहीं है उनको तुरंत प्रभाव से एक अस्थायी राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर जारी किया जा रहा है। ऐसी कुछ व्यवस्था अजमेर के जिला अधिकारियों को बनानी चाहिए या फिर सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और ऐसी व्यवस्था मुहैया कराए कि जो राशन कार्ड धारक हैं जो APL के अंदर भी हैं जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको भी राशन विक्रेता के यहाँ से राशन मुहैया कराए या फिर अस्थायी तौर पर एक समय सीमा तक राशन विक्रेताओं को यह आदेश दे कि हर जो भी राशन कार्ड धारक हो, मजदूर कार्ड धारक हो, BPL कार्ड धारक हो, उसको राशन मुहैया कराया जाए, जिससे जो समस्या इस समय देखने को आ रही है वो समस्या ना देखने को मिले। खास बात यह है कि जब राशन कार्ड धारकों को राशन विक्रेता के यहाँ से राशन नहीं मिलता है तो उसका जो खामियाजा है, उसका जो विरोध है वो स्थानीय वार्ड पार्षद को भुगतना पड़ता है, वो तमाम तरीके की शिकायतें जनप्रतिनिधियों को करता है। और जब वार्ड 18 के पार्षद से जब हमने बात की, MTTV इंडिया ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि राज्य सरकार से और प्रशासन से उनका निवेदन है कि इस पूरे मामले पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लें और जितने भी APL कार्ड धारक राशन कार्ड धारक जो इस वक्त इनएक्टिव हैं, ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन लोगों को भी राशन की सामग्री मुहैया कराए। देखना यह होगा कि प्रशासन और DSO के जो अधिकारी हैं वो कब इस पूरे मामले के ऊपर संज्ञान लेते हैं। हाँ, ये राशन चालू नहीं है और बाकी राशन वाले के पास गए, राशन वाले ने नहीं दिया और वहाँ गए थे उर्मला नायक के पास, उर्मला नायक ने भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं करी सहायता हमारी। तो आपके राशन में सील तो लगाई है, किसने लगाई है? ये उर्मला नायक ने। सील लगने के बाद भी राशन नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कह रहा राशन वाला? राशन वाला बोला चालू नहीं है, आगे से हम क्या देवे। अच्छा, और नीचे ने गाड़ियाँ आती है, सब होता है, दान पुण्य सब होती है सुविधा, लेकिन हमारे तो इधर पानी की नहीं है। क्यों? ये तो क्या पता। पार्षद से बात करी आपने? हाँ, करी थी मैंने, हमने हाँ करी थी। क्या कहा पार्षद ने? पार्षद ने बोला था कि दो दो रोटी आती है नीचे पप्पा के, वहाँ खड़े हो जाओ, लेके आ जाओ, 8 जने में 10 जने में 2 रोटी कब सरी।
20 मिनट के लिए गाड़ी आती है। यहाँ कितने परिवार हैं यहाँ टोटल? यहाँ पर तो बहुत जने, एक कोई के सात है, कोई के आठ है, कोई के दस है। किसी को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा? किसी को नहीं मिल रहा है। हमारी इधर ठेठ तक आया या नहीं आया? अब ये देखो, ये आपका नाम छोटी, ये है परेशानी कि हमारा राशन कार्ड नहीं चालू है। उसके अलावा हमको सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं मिल रही है, प्लस हमारा धंधा बंद हो गया बिल्कुल। तो क्या खाए क्या पिए, दो दो बच्चे हैं, लड़के हैं, गए थे लेकिन ये इन्होंने ये छाप लगाई, बोला आपका राशन कार्ड चालू नहीं होगा, अभी वो कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब कर्फ्यू में कोर्ट में कैसे धक्के खाने के लिए जाएं सर? तो राशन वाले दुकान पे गए थे, राशन वाले ने क्या कहा? हाँ बिल्कुल चालू नहीं, राशन कार्ड नहीं चालू हो रहा, नहीं चालू नहीं होगा अभी राशन कार्ड, इस छाप से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कहाँ जाए सर, परेशानी बहुत उठानी पड़ रही है सर, बच्चों को कहा अब क्या करें सर? जब भी कोई भी मिलता है, जैसे सोचते हैं हम किसी को परेशानी के लिए, ऐसी परेशानी में किसी को परेशान करें हम? पार्षद ने कुछ जवाब, कुछ भी जवाब नहीं दिया हमको, कुछ भी जवाब नहीं दिया। वार्ड है कहाँ पर? 18 नंबर वार्ड है सरस्वती, वार्ड नंबर 18 के नागरिकों से मैं ये अनुरोध चाहती हूँ कि जो हमें राज्य सरकार, जिलाधीश महोदय और रसद विभाग के द्वारा जो हमें राशन की जो व्यवस्था की गई है, बना हुआ खाना, वह हमें 940 चपातियाँ और एक गैलन हमें सब्जी मिलती है, उसे हमें 8000 लोगों को वितरण करना होता है। उसी के बीच हमारे राजकुमार तुलसानी जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे 200 पैकेट उनकी तरफ से डेली आता है, उसकी भी हम व्यवस्था वार्ड में एक जो गाड़ी हमने लगा रखी है, तिपहिया वाहन है, वह वार्ड हर डोर टू डोर वह खाना पहुँचाते हैं। परंतु राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की है उसके लिए हम लोगों को ये थोड़ा बहुत महसूस होता है कि कुछ कम है, क्योंकि 174 लोग, जहाँ कि हमने 2000 लोगों की व्यवस्था के लिए कहा था, परंतु वहाँ पर गवर्नमेंट ने सिर्फ 174 लोगों की व्यवस्था की है, वह पर्याप्त नहीं है। और मैं राज्य सरकार से अनुरोध चाहती हूँ कि सभी पार्षदों की तरफ से, ये सभी पार्षदों की मंशा है कि जो आप भोजन व्यवस्था करा रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ा करके अगर देते हैं तो लोग खुश रहेंगे और उनको जो इस विपदा की जो घड़ी है उसके अंदर उनको थोड़ा राहत मिलेगी। मतलब राशन का गेहूँ नहीं मिल रहा है और आम जनता कह रही वो सील फर्जी है, आपने जो लगाई है सील का जो था, शायद किसी ने मेरे वार्ड में ही अफवाह फैलाई थी कि मैडम सील लगा देंगी तो राशन चालू हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे कि दो दो महीने के राशन चालू होंगे, और जिनका राशन चालू नहीं है उनका भी होगा और जिनका चालू है उनको भी मिलेगा। परंतु राशन डीलरों ने एक जो अपनी बना रखी है उसके अंदर ये है कि एक एक महीने का उन्होंने जिनका चालू है उनको एक एक महीने का दिया, और जिनका बिल्कुल चालू नहीं है उनको बिल्कुल ही मना कर दिया है। तो वहाँ के जो हमारे वार्ड के निवासी हैं ये सब अपने अपने पार्षदों के पास जाते हैं और यही रखते हैं कि हमारा राशन पार्षद द्वारा चालू नहीं हो रहा है। मेरी ये प्रार्थना रहेगी आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये बात पहुंचा दी जाए राज्य सरकार से कि जो आप राशन की व्यवस्था आप कराना चाहते हैं, आप उस इंसान को भी दीजिए जिसका राशन चालू नहीं है किसी भी कारणवश, चाहे उसकी मजदूर डायरी नहीं होगी, चाहे उसका घर में कोई पेंशन का भी नहीं होगा, लेकिन अभी के जो विपदा की घड़ी है उसके अंदर हम चाहते हैं कि उनका राशन चालू किया जाए और जल्द से जल्द उनको राहत प्रदान की जाए। मैं उर्मिला नायक, वार्ड नंबर 18 पार्षद।